नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है जादूगर राम यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अभी सुबह का 6:30 बजा हुआ है और मैं ये बैग लेके कहीं जा रहा हूँ। मित्रों, तो इसमें मैजिक का आइटम है, इसमें ये देखिए, ये जादू का सामान है। इसमें लगभग 3,500 रुपये का जादू का सामान है। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ दिल्ली के आनंद विहार रेल स्टेशन में। ये पहुँचाना है, यहाँ से 250 किलोमीटर है मित्रों। अभी जाते और आते शाम रात हो जाएगी, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये कोई 15-16 साल का लड़का है जो दिल्ली से बिहार की में जा रहा है वहाँ काम करके, या 16-17 साल का लड़का होगा। तो उसने बोला है कि आनंद विहार में आके मुझे ये सामान दे के जाना। तो मित्रों, तो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम कभी भी किसी का भी पैसा अकाउंट में आता है, उन्होंने 1500 भेज दिया है और वहाँ जाने पे वो 2000 और देंगे, तो कुल मिला के 3500 में अब जाने आने में ही लगभग 700 रुपये खर्चा हो ही जाएगा कम से कम। ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये बैग उठाया, इसमें सामान है। और ये देखो, अभी सुबह सुबह लक्ष्मी सोई पड़ी है और सीता को भी मैंने उठाया और मैं भी उठ के अब जा रहा हूँ मित्रों। तो रास्ते में कुछ हो तो और वीडियो मैं बनाते हुए चलूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ और मित्रों आगे देखेंगे वो लड़के को भी मिल करके, फिर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जाते हुए दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाके ये सामान दे के आना है। कोई ख़ास नहीं, यही ब्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाया। अब मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल रहा हूँ देहरादून से। मित्रों चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहलवान बाबा मंदिर है, ये लाल पुल है, ये जो पुल दिखाई दे रही, देखिए रोड में रेलिंग है और ये पहलवान बाबा मंदिर है। तो यहाँ से ये गली जाती है छोटी सी, ये गली ख़त्म होते ही हमारा घर मकान दुकान सब वहीं पे है मित्रों। तो जब आप आओगे तो ये मैं सिग्नल आपको दे दिया हूँ कि जब आप हमारे यहाँ सामान लेने आओगे तो बस स्टैंड से लाल पुल लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ता है और 24 घंटे ये 5 नंबर का टेम्पो लगी रहती है। वो देखो, उधर से बस स्टैंड से आई है और वही टेम्पो इधर से जाती है ISBT बस स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ उतरना है और इस गली में घुस जाना है। बस घुसते ही बाएं तरफ में जादूगर राम लिखा हुआ बोर्ड दिखाई देगा, बहुत आसान है मित्रों। तो यहीं से मैं पहले टेम्पू पकड़ूंगा, तो टेम्पू में 5-7 मिनट में बस स्टैंड पहुँच जाएंगी। ये सीता है, मुझे छोड़ने आई है, तो ये सुबह सुबह मुझे छोड़ने के लिए भी आ गई। और ये देखो, मैं हूँ अब जा रहा हूँ दिल्ली में। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि देखिए, हम लोग आपको सामान भी पहुंचाते हैं मित्रों। तो वो आने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी उसको और मैं खाली भी था, तो मैं सोचा चलो मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये टेम्पू है, ये जाती है यहाँ से 5-7 मिनट में बस स्टैंड पहुँचाती है। चलो मैं इस पर चढ़ जाता हूँ। ये देहरादून का सबसे बड़ा मंडी है, मंडी के पास में ही हमारा घर है। ये मैं पहुंच चुका हूं बस स्टैंड, तो मैं मास्क से भूल गया था, रुमाल और मास्क मैं ले लिया, अभी दुकान से ख़रीद लिया। ये बस स्टैंड है और यहां से दिल्ली का बस 24 घंटे मिलती रहती है। तो अब दिल्ली का बस में चढ़ना है, फिर आगे क्या क्या होगा देखेंगे। ये दिल्ली का बस है, ये दिल्ली का बस है, अब इसमें हम चल रहे हैं। तो इसमें बैठ के चलेंगे, ये सीट पे बैठ जाता हूँ।
थे मित्रों। तो मैं बस में बैठ चुका हूँ, देखो कम पैसेंजर है और लोग आएंगे तो शायद जाएगी। तो ये मेरा बैग है इधर में, देहरादून से बस भी निकल गई है, सरपड़ी बस। अब यहाँ से लगभग 6 घंटे में दिल्ली पहुँचेगी मित्रों। गाजियाबाद आ गई है, मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए अभी गाजियाबाद पहुँचे हैं, तो इसके बाद दिल्ली आएगी। मेट्रो भी कम चल रही है, दिल्ली मेट्रो। आ गए हम दिल्ली। कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं, कोई तो मास्क पहने हैं, अभी ज़्यादातर तो बिना मास्क वाले ही मुझे दिखाई दिए। आनंद विहार आनंद विहार रेल स्टेशन है और ये भारत माता का झंडा है। हम आ गए, लो तो ये है हमारे भाई। भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद गुफरान। हाँ जी, मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान है, कितने साल के हो? 25 साल। अच्छा, घर कहाँ है? उमरमा। उमरमा बिहार। हाँ। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ साढ़ू के घर घूमने आए हैं। अच्छा, साढ़ू के घर घूमने आए थे। कितना उम्र है? 25 साल। अच्छा, 25 साल का। मैं सोचा था कि 18-19 साल का कोई लड़का होगा, इसीलिए तो देहरादून नहीं आ सका। चलो मित्रों, तो आपने देख लिया, हम जब पैसे अकाउंट में कोई डालता है तो कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं देते हैं, हमेशा सामान मिलता है या हम पहुंचते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आज का यूट्यूब में डाला हूं मित्रों। इनको मैं सामान दे दूंगा, आपका जो भी मंगाया सामान है वो सब इस पे है। और ये देखो, ये सारे सामान इसमें है, जितने भी आपको हमने बताया और आपने जितने भी बताए थे तो वो ये है। अब इसमें क्या करना है पहले देख लो। इसमें कबूतर बॉक्स है थोड़ा छोटा वाला, मोमबत्ती से छाता है, कलरिंग बुक है, कलरिंग वाटर ऑफ इंडिया है, और सब हम फोन पे सेटिंग कर रहे हैं। हाँ, सब है। तो अब मैं आ गया, आपको सामान दे रहा हूँ। ये कलरिंग बुक खोलने के लिए बताओ। हाँ, तो तीन तरह, यहाँ से खाली, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट, यहाँ से कलर होगा। ऐसे चलाओ चलाओ, इधर से स्टार से चलाओ। हाँ, ऐसे चलाओ, ज़ोर ज़ोर से चलाओ। हाँ, ऐसे खाली आएगा, इधर से करोगे ब्लैक एंड वाइट आएगी। अब बीच से करोगे, बीच से
कलर आएगी, तो फिर गायब करना, फिर नीचे सही करना, बाकी सब मैं आपको। तो मुश्किल वाली एक भी आइटम नहीं है, सब हो जाएगा। इसको अच्छा, तो ये सब सामान है, और ये हमारे भाई हैं बिहार के, जो भाई हैं हमसे सामान मंगाए थे इन्होंने, तो सारा सामान इनको दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मित्रों 5 मिनट भी नहीं लगा उनको सिखाने में, लगभग 10 आइटम उन्होंने लिए हैं। 10 आइटम में सब अलग अलग 10 आइटम लगभग 3500 रुपये का था। अच्छा अच्छा आइटम लिए थे उसमें, मोमबत्ती से छाता था, कबूतर बॉक्स था, कई सारे आइटम थे, कलरिंग बुक था, रुमाल से छड़ी था। तो उन्हें 5 मिनट भी नहीं लगा, उन्होंने समझा मैं सीख लूँगा, यूट्यूब में मैं सीखा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने छड़ी को सिखाया, फिर उसके बाद वो सामान लेके पैसे दे करके चले गए। ये उन्होंने दिए हुए पैसे ये वाले हैं, ये तो मैं लाया हुआ हूँ, ये 2500 रुपये हैं, 1000 तो मेरे को भेज दिया था मित्रों। तो आज का यही वीडियो हमने बनाया था आप लोगों की विश्वास हमारे ऊपर बढ़ जाए, ये सोच करके कि हम मर तो सकते हैं मगर किसी को धोखा नहीं दे सकते। तो ये आनंद विहार रेल स्टेशन आप जानते हैं, जितने भी दिल्ली से बिहार की तरफ ट्रेन जाती है ना, तो सारे के सारे आनंद विहार स्टेशन से ही जाती है। पहले और जगह से भी जाती थी, अब सारा चेंज करके यहीं पर रख दिया है, आनंद विहार से ही जाती है। तो मित्रों आज का वीडियो में ये जो काम के लिए मैं आया था वो तो हो गई मित्रों। ये देखो झोला खाली हो गया, और मैं अब ये खाली झोला लेकर के चलता हूँ। एक बार फिर से लास्ट में भारत माता का जो झंडा है बहुत अच्छा चल रहा है वो दिखाता हूँ, हवा में कैसे फर 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 कर रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता की। तो मित्रों अब मैं देहरादून चलूँगा। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो हमने इतना जल्दी जल्दी बना के आपको यूट्यूब में डाल दिया हूँ। अभी जो जिस टाइम हो रहा है अभी लगभग दिन के 2:30 बजे हैं, और इसी समय मैं ये वीडियो एडिट करके डाल रहा हूँ। मित्रों नमस्कार।